वही वो बोल रहे थे कि आपने देश का सीना थोड़ा कर दिया है, और बहुत ही खुश थे और बोल रहे थे कि इसके बाद आने वाली जनरेशन एथलेटिक्स, खासकर जेवलिन थ्रो और बाकी सभी स्पोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बहुत मैंने भी बोला था कि सर अभी और ज़्यादा सपोर्ट करना है और अपने देश के स्पोर्ट्स को और ज़्यादा ऊपर उठाना है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड हिम दैट। मैं एक फार्मर उससे हूँ, बड़ा ही सिंपल एक हमारा वो है, और हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारी जॉइंट फैमिली है, और हमारे गांव में और फैमिली में कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था, पहली बार मैंने शुरू किया, और मैं बस ऐसे ही अपनी फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स करने के लिए, मतलब ऐसे फिटनेस थोड़ी सुधारने के लिए, क्योंकि मोटा था, तो ऐसे स्टेडियम में गया तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे, तो मैंने उनको थ्रो करते हुए देखा, तो बाकी सभी स्पोर्ट्स वहाँ पे थे लेकिन मुझे जेवलिन थ्रो ही बहुत पसंद आया, तो मैंने उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और बस बड़ा थोड़ा मुश्किल टाइम रहा लेकिन अभी यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ तो बहुत खुशी है। That's quite an interesting answer. He says he's... उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से था, क्योंकि उनका एक बहुत पहले से सपना था कि इंडिया से कोई ओलंपिक मेडल जीते, खासकर अपना राष्ट्रगान बजवाए, और मुझे साथ में बाकी जो अपने महान एथलीट है जैसे पीटी उषा है, वो भी फोर्थ रह गए थे बहुत ही कम टाइम से, तो मुझे लगता है कि उनका भी एक सपना जो है आज पूरा हुआ है, बस थोड़ा दुखी है कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि वो जहाँ से भी देख रहे होंगे तो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे। Should I? Okay.